कितना अमेजिंग और कितना ब्यूटीफुल व्यू है, पर फिर वही बात है, इस एंगल से मज़ा थोड़ी आएगा, उस एंगल से देखो। मेरे लिए तो बहुत यूनिक चीज़ है, आज हम चार कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं, फोर कंट्रीज, इतना तो मैंने चार स्टेट्स में ट्रैवल नहीं किया इंडिया में, एक साथ चार कंट्रीज में ट्रैवल कर रहा हूँ, स्लोवेनिया, इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, आज चार कंट्री में मैं ट्रैवल करने वाला हूँ। ऑस्ट्रिया जाना था, पहुँचते प्लान किया जर्मनी जाएंगे, जर्मनी जाने का प्लान करते करते इटली में आ गए। वेलकम टू शेनिगन, वेलकम टू यूरोप। और कहते हैं ना, सपने देखो पूरे जरूर होते हैं, तो इसको मैं सपना नहीं बोलूंगा, इसको अपना विजन बोलूंगा। सर आपको अच्छा लगा इंडियन फ्लैग के साथ फोटोज खींच जा रहे हैं? टू गुड, हां फैंटास्टिक, हाउ नाइस यार। इन जर्मनी फिला इज इन ऑस्ट्रिया, फिला इज इन ऑस्ट्रिया। ओके, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू, दिस इज अंकित एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। सो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल वादिया, और ये ब्यूटीफुल वादिया है बोविच की, बोविच पड़ता है स्लोवेनिया में। और सबसे पहले हमेशा की तरह बता दूं कि मेरी एक इंटरनेशनल राइड चल रही है और आज मैं हूं अपनी कंट्री नंबर 7 स्लोवेनिया में, और बहुत ब्यूटीफुल टाउन में जिसका नाम है बोविच। कल हम आए थे क्रोशिया से, कवर करते करते मैंने आपको दिखाया था व्रिश पास, और उसके बाद हमने ये वाला रूट कवर किया था, और इतनी अमेजिंग रूट, इतना अमेजिंग रूट था ना, मतलब वन ऑफ द बेस्ट राइड अगर मैं बोलूँगा इस इंटरनेशनल राइड की ना, तो ये अभी तक की सबसे बेस्ट राइड थी। अभी आप मेरे पीछे देख रहे हो, यहाँ पर कैफ़े है और यहाँ पर बहुत सारे लोग कैफ़े में अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और मैं भी ऑलमोस्ट रेडी हूँ। मेरी जो बाइक है ना, यहाँ से लगभग 200 मीटर दूर खड़ी हुई है, क्योंकि ये हमारा कल हॉस्टल था, यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी कि यहाँ पर पार्किंग फैसिलिटी नहीं थी, तो हमें यहाँ सुपरमार्केट के बाहर अपनी बाइक पार्क करनी पड़ी थी। ज़्यादा दूर नहीं है, बस बाइक लेने जा रहा हूँ, सामान लोड करेंगे और आज अपनी नेक्स्ट कंट्री की तरफ हम निकलेंगे, जो होने वाली है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के अंदर हम एंट्री करके निकल जाएंगे जर्मनी। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं वो अभी मैं आपको थोड़ी देर में जब बाइक पे बैठूंगा ना, तब सारी चीज़ें बता दूंगा। तो चलो सबसे पहले आपको ना एक बार रूम का टूर दे देता हूँ। रूम का टूर दिखाने से पहले, ये हमारे रूम के बाहर बालकनी से व्यू है, थोड़ा धूप आ गई है, नहीं तो सुबह इतना ब्यूटीफुल व्यू लग रहा था ये वाला। ये है एक ड्राइंग रूम या कॉमन रूम बोल सकते हो इसको, यहाँ पर सब बैठ के कल शाम को अपना डिनर कर रहे थे जो दूसरे गेस्ट आए हुए थे यहाँ पर। और ये है एक कॉमन किचन एरिया, जहाँ पर कोई भी गेस्ट आता है तो वो कॉमन किचन एरिया यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पर सारा सामान होता है, नमक, मिर्च, मसाले, हर चीज़ यहाँ पर फैसिलिटी होती है, माइक्रोवेव भी है और फ्रिज भी है यहाँ पर, मतलब हर चीज़ की फैसिलिटी यहाँ पर होती है। ये है कॉमन वॉशरूम जो सारे यूज़ करते हैं। साथ में एक बार आपको डॉर्मेट्री दिखा देता हूँ। तो ये है रूम हमारा, यहाँ पर कल मैंने सोया था, यहाँ पर सर सो गए थे, और यहाँ पर भी एक वॉशरूम है और ये भी कॉमन वॉशरूम है। तो ये प्रॉपर हमारा सेटअप था। इसके हमने चार्जेस जो पे करे हैं वो पे करें 25 यूरोस पर बेड, तो 50 यूरोस हमने पे करे हैं दोनों बेड के। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं और सबने एक जैसी ऑलमोस्ट ड्रेस पहनी हुई है। और सामने का आपको एक बार व्यू दिखा देता हूँ, वो है पूरा माउंटेन और उसके नीचे पूरा क्लाउड का फॉर्मेशन है। ऐसे ये पूरी सिटी टाउन 360 डिग्री ऐसे ही दिखता है व्यू, लेकिन ये जो घर है ना, इसकी वजह से ये थोड़ा सा व्यू कट रहा है। तो आज हमें बहुत लंबा, अभी तक का सबसे बड़ा डिस्टेंस आज हमें कवर करना है, और आज ही हम सबसे ज़्यादा लेट है। जैसे मैंने आपको बताया, आज हम दो कंट्रीज़ के बॉर्डर एक साथ पार करने वाले हैं। सारी डिटेल आपको अभी बताता हूँ। तो चलो आज की राइड स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेकर, जय माता दी। तो अब मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करता हूँ। हमारा एक्चुअली कभी भी प्लान नहीं था जर्मनी जाने का,
ये एंड टाइम पे थोड़ा इसराइल का प्रॉब्लम हो गया है, जिस वजह से हमें लगता है कि हमें एक कंट्री और कर लेनी चाहिए साथ में इंक्लूड। तो अभी हमने सोचा जर्मनी पास पड़ रहा है तो जर्मनी चले जाते हैं। तो जर्मनी का रास्ता डायरेक्ट स्लोवेनिया से नहीं है, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा पहले ऑस्ट्रिया में एंट्री, और उसके बाद आपको एंट्री लेनी पड़ेगी जर्मनी के अंदर। हमने सोचा कि पहले जर्मनी का पार्ट कुछ कवर कर लेते हैं। ओए होए 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 क्या व्यू है यार, पहले जर्मनी का कुछ पार्ट कवर कर लेते हैं और उसके बाद दोबारा से हम ऑस्ट्रिया आ जाएंगे। और आज का हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ग्रॉस ग्लॉकनर। ये पूरे ऑस्ट्रिया में सबसे हाईएस्ट पॉइंट है और कहते हैं कि पूरे एल्प रीजन में ये सबसे टॉप हाईएस्ट पास है। जब मैं इसका आइटनरी बना रहा था तब मैंने इसके रिव्यूज़ देखे थे, तो बहुत लोग मतलब जो भी बाइकर है ना तो इस जगह पे जाता ज़रूर है। और साथ में इस वाले पास पे जाने के लिए आपको 30 यूरो पे करने पड़ते हैं, लगभग 2800-2900 रुपये हमें पे करना पड़ेगा। तो उस पास को करने के लिए वी आर रेडी टू पे 30 यूरो, और वो पार करने के बाद हम जाएंगे म्यूनिक जो कि जर्मनी की कैपिटल है, और जिसको गूगल आंटी दिखा रहा है कि हमें लग जाएंगे 7-8 घंटे। तो मैं एक रफली आइडिया बताऊं तो आज हम लगभग 9-10 बजे रात को हम म्यूनिक पहुंचने वाले हैं। एक फ़ोटो ले लेता हूं फटाफट लाइफ टाइम मेमोरी के लिए। ग्रॉस ग्लॉकनर का मैंने सुना है कि एक टाइमिंग होती है उसकी भी, और टाइमिंग है मेरे ख्याल से 7-7:30 बजे तक वो ओपन होता है, उसके बाद आप नहीं जा सकते ग्रॉस ग्लॉकनर क्योंकि वो बहुत हाइट के ऊपर है। और हमें एनी हाउ आज के दिन में ही ग्रॉस ग्लॉकनर जो है वो जाना ही जाना था। उसका मेन रीज़न ये है कि 2 दिन बाद ना यहाँ पर वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला है, और मैंने इस राइड में पहली बार अपना एक इनर पहना है, वूलन इनर पहन लिया है मैंने। अभी से मुझे ठंड लगनी शुरू हो चुकी है, हाई माउंटेन पास से हम जैसे जैसे जाएंगे ठंड लगनी और शुरू होती जाएगी। इटालिया, इटली आ गया, जाना था जापान, पहुंच गए चीन, जाना था ऑस्ट्रिया, प्लान बना जर्मनी और पहुंच गए इटली। लहरा दो लहरा दो। और ये गाना मैं इसलिए गा रहा हूँ क्योंकि ना अनएक्सपेक्टेडली कोई प्लान नहीं था हमारा इटली जाने का, हम तो स्लोवेनिया से जा रहे थे यहाँ से ऑस्ट्रिया, फिर हमारा प्लान था ऑस्ट्रिया से हम जाएंगे म्यूनिक जर्मनी, लेकिन बीच में देखो यार इटली पड़ गया बीच में। काफ़ी दिन से सोच रहा था, शायद मैंने पिछले एक आध ब्लॉग में ये बात डाली हुई है, मेरा एक्चुअली बहुत मन है कि मैं एक बार इटली में एंट्री करूं, वेनिस देखूं। अनफॉर्चुनेटली वेनिस तक तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ बाइकर्स भी आए थे जिन्होंने हमें बताया कि ये जो रूट है थोड़ा सा रूट है इटली का, उसके बाद फिर ऑस्ट्रिया शुरू हो जाएगा। बट कोई बात नहीं, ये है हमारी कंट्री नंबर 8, और अनएक्सपेक्टेडली कोई प्लान नहीं था यहाँ पर आने का, बट हाँ खुशी बहुत हो रही है मुझे कि अपना तिरंगा आज इडली के बोर्ड के साथ में भी फहरा दिया है। तो बस अभी कुछ नहीं, यहाँ से निकलते हैं फटाफट और अपनी जर्नी जो है दोबारा कंटिन्यू करते हैं। इज इट ओके इफ आई रिकॉर्ड यू? यस ऑफ कोर्स। कहाँ से हैं सर आप? हम मुंबई से हैं। अरे वाह, तो आप यहीं पर ही रहते हैं? नहीं नहीं नहीं, हम तो रोड ट्रिप कर रहे हैं। अरे हाँ, नो वी स्टार्टेड फ्रॉम ब्लेड, नाउ वी आर गोइंग टू गो टू बोवेक, देन डाउन टू स्कॉकजान एंड देन बैक टू लुब्लियाना। सर आपको अच्छा लगा इंडियन फ्लैग के साथ फोटो खींचा रहे हैं? टू गुड, हां फैंटास्टिक। How nice, yeah. Fantastic. और अभी एक महीना हो चुका है, अभी 4 महीने और बचे। Fantastic. All Europe? Europe and Middle East. Europe and Middle East. My God. Super, super. Thank you. Bye bye. Have a great trip to you too. Jai Hind. Jai Hind. तो अभी हम बॉर्डर पे खड़े हैं एंड हमें यहाँ पर कोई मिला। व्हाट इज योर नेम? जूली। तो ये जूली है और ये साइकिल पे ट्रैवल कर रहे हैं और ये अभी स्लोवेनिया में है। यहाँ से यू आर हेडिंग टू? I'm heading to Fila and I was in Salzburg in Germany. Fila is in Austria. Fila is in Austria. Okay, so जब मैं यहाँ पर फोटोज खींच रहा था, वीडियोस बना रहा था ना, तो ये जूली यहीं पर ही बैठे हुए ना अच्छा अच्छा रिएक्शन दे रहे थे। Did you think I spoke well?
Yeah, it was good. Huh? It was good. Yeah. Though you didn't understand what I spoke, I but no, but it was funny because I had some English words, so I got a bit. You got a bit, huh? तो मैं थोड़े थोड़े इंग्लिश वर्ड्स हमारे में होता है ना तो यूज करता है तो इनको थोड़ा बहुत समझ में आ चुका है. इट्स रियली नाइस मीटिंग यू. नाइस मीटिंग यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ऑल द बेस्ट. राइट. बाय. वेलकम टू इटली. लोगों को बहुत अच्छा लगता है जब वो इंडिया सुनते हैं तो ये लोग बहुत एक्साइटेड, इनको बहुत अच्छा लगता है कि वो इंडिया से इतनी दूर से आए हो, तो वो और ज़्यादा क्लिक करता है. अच्छा लगता है लोगों से बात करता हूँ, रुकता हूँ, टाइम नहीं है, नहीं तो काफ़ी लेट हो गए हैं. इटली का तो कोई प्लान नहीं था, आधा घंटा तो हमने इटली के बॉर्डर पे भी लगा दिया. तो आज मुझे लगता है म्यूनिक 12 बजे रात को पहुंचेंगे, मेरे को लग रहा है आज. इंट्यूशन सी हो रही है. अब ये विलेज है कोई या कोई ये प्रॉपर सा टाउन है ये मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट इटली के भी आप घर देख लो कैसे होते हैं. सब कुछ बंद बंद सा है. होटल्स हैं लेकिन सब कुछ बंद बंद सा लग रहा है यहाँ पर. Can you do it again? What you are doing? No, we are okay. No, we are okay. It's not paining. This is good. This is good. Hello, you know Lapper only. So, इनकी language समझ नहीं आ रही. But you know, we came from India. India. Quanti giorni? Quanto tempo? 5 giorni. 5 months. तो तिरंगा एक बार फिर से निकल चुका है यार. बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज बात है. इतना तो मैं हरियाणा से पंजाब, पंजाब से जम्मू कश्मीर जाने में मुझे टाइम लगता है, जबकि यहाँ तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री आने में देख रहे हो कैसे हम अभी आधे घंटे पहले ही हमने इटली का बॉर्डर एंटर करा था और अब ऑस्ट्रिया का बॉर्डर हम एंटर करने वाले हैं. बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि ऑस्ट्रिया, यस ये मेरी एक लिस्ट में था, मुझे ये कंट्री देखने का बहुत मन था. थोड़ी सी शांत कंट्री है, रिलैक्स है, सब कुछ काम रहता है यहाँ पर. ये मैं 2005 से इनके वीडियोज़ देखता था. यूट्यूब के ऊपर भी मैंने लगभग 2015 से इस जगह के वीडियोज़ देखना शुरू किया था और मुझे हमेशा से ना ऑस्ट्रिया को ना अपनी आइटनरी में डालना ही डालना था, चाहे इसमें कुछ बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने का हो या ना हो. बट हाँ, एक होता है ना दिल में कि इस कंट्री को एक बार देखना है. तो अपनी मोटरसाइकिल को लेकर यहाँ पर भी आ चुका हूँ. ज़्यादा बातें नहीं करूँगा क्योंकि बहुत लेट हो रहे हैं. तो बस यहाँ से चलते हैं. खाली 150 मीटर है यहाँ से ऑस्ट्रिया का बॉर्डर, जो सामने पीछे दिख भी रहा है, और वो पीछे पहाड़ हैं वो सारे ऑस्ट्रिया के हैं. तो बस अब यहाँ से चलते हैं. अपने देश का झंडा फहराना था, इसके लिए यहाँ पर रुके हैं. और बस चलते हैं, चलो. और एक चीज़ तो मैं भूल ही गया वीडियो में बोलना, ये है चार्ली की मातृभूमि. मातृभूमि में, क्योंकि ऑस्ट्रिया ब्रांड है ये, तो चार्ली तो ऑस्ट्रिया ब्रांड है. ये मेड इन इंडिया, बनी इंडिया में है लेकिन ब्रांड ऑस्ट्रिया. ये जन्मभूमि, इसके माता पिता जितने भी है बड़े सीनियर, डैडी ऑफ KTM एडवेंचर 390, मदर ऑफ KTM एडवेंचर 390, सब यहीं से ही हैं. रिपब्लिक ऑस्ट्रिच, इनके दो दो नाम है मेरे ख्याल से. कंट्री के हर जगह पर ना दो दो नाम लिखे आते हैं.
कितना अमेजिंग और कितना ब्यूटीफुल व्यू है, पर फिर वही बात है, इस एंगल से मज़ा थोड़ी आएगा, उस एंगल से देखो। ओह ओह, सही लोकेशन मिल गई फोटो खींचने के लिए भी। देखो दो रूट है, एक ट्रैकिंग का रूट है और एक बाय रोड रूट है। मेरे को भी यही दिखा रहा है, एक ट्रैकिंग का रूट है बट गूगल मैप इज शोइंग अस दिस रूट ओनली। इट्स वही कह रहा हूँ, दो रूट है, एक ट्रैकिंग का रूट है और एक बाइक का रूट है। मोटरसाइकिल यू कांट गो टू ओवर द लोकना पास, देयर मस्ट बी अनदर वे देन 101% है वहाँ का। द सिटी इज कॉल्ड हाइलिगनब्लूट। व्हेन यू गो टू हाइलिगनब्लूट देन यू हैव द ग्लोकना स्ट्रीट and you can cross. What is the name of the street? What is the name of that place? Heiligenblut. Oh, it is showing 77 kilometers of these ones. I see it here from overall. We're here. And you have to go all the way around back. Oh. And then you can cross here. And you can cross here. Is this the route? Huh. Yeah, yeah. Yes, okay, exactly. That's it. This the route? Kitna kilometer hai yahan se? 92. Oh, shh. Kitna ghante? 1 hour 43 minutes. Chalo. Entry ho jayegi? Let's see. Thank you, sir. भाई साहब, हाई माउंटेन पास को 6:30 बजे चढ़ना पड़ेगा, और अगर तुम 6:30 बजे चढ़ रहे हो वहाँ फ़ोटो खींचोगे, टाइम लगाओगे, ठंड, उसके बाद नीचे उतरना, अब होगा एडवेंचर। 92 किलोमीटर है यहाँ से। चीज़ें ना बाद में याद आती हैं, मैं घर पे जब देख रहा था ना तो मुझे दो रूट दिखे थे, माइंड से स्किप हो गई यार ये बात। सवा पाँच हो चुके हैं और अभी हमें ना एक पहाड़ जो दिख रहा था ना उसके बिल्कुल बैक साइड पे जाना है। अब बैक साइड पे जाने के लिए हमें पूरा का पूरा पहाड़ घूम के उसके बैक पे जाना पड़ रहा है।
सो ये है बाइकर्स का कुछ पॉइंट। सही, बहुत सारे बाइकर्स से हमारी एवरेज स्पीड हमने बहुत अच्छी मेंटेन करके रखी हुई है। रोशनी जब हम नीचे होते हैं ना बिल्कुल बेस ग्राउंड लेवल पे, तो ऐसा लगता है कि बस अंधेरा होने वाला है, और जैसे जैसे हम पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं तो वैसे पता लग रहा है नहीं अभी काफ़ी टाइम है अंधेरा होने में। They have now at the front. Yeah, both sides. Both sides. Yes. You know. In India, both sides. Ah, okay. Yes. Here only back side. Hmm? Yes, I know. Thank you. Bye. यहाँ पर खाली बैक साइड पे नंबर प्लेट होती है और फ्रंट में नहीं होती। यूरोप में ऐसा ही होता है, आपको खाली बैक साइड पे नंबर प्लेट लगानी होती है, फ्रंट पे लगाने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब लगाने की ज़रूरत क्या होती है, हम है ही नहीं, लगाना ही नहीं होता, सिर्फ कार पे लगती है यहाँ पर। तो वो वही बोल रहे थे। चाची क्या कर रही थी? तो यहाँ पर इनको 30 यूरो पे करना पड़ेगा, और यहाँ पर कुछ टाइमिंग लिखी है इन्होंने। हाँ देखो, बाइक का लिखा ना 30 यूरो और कार का 40। हाउ मच फॉर द वन बाइक? हाउ मच? $23.5 वन बाइक। ओके, 23.5 है। हाँ लिखा 30 है, लिखा 30 है। दो ढाई किलोमीटर और रह गया बस पास। जल्दी से पास पहुँचेंगे, फोटोज क्लिक करेंगे और फटाफट से नीचे उतरेंगे। विंड ब्लास्ट बहुत तेज़ आ रहा है, पता नहीं आपको ऑडियो में कैसे लग रहा है। वो हो क्या लग रहा है भाई साहब, सिर्फ 2 मिनट की और दूरी पे रह गया, 1.5 किलोमीटर। यहाँ झंडे लगे हुए हैं, यही होगा। यस यस, वी मेड इट, वी मेड इट, ये वी मेड इट, ये है। सच बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा ठंड है इस समय। सबसे पहले टाइम बताऊं तो इस समय बज गए हैं 7:15, और कहते हैं ना सपने देखो पूरे जरूर होते हैं, तो इसको मैं सपना नहीं बोलूंगा, इसको अपना विजन बोलूंगा। आज से तीन महीने पहले जब मैं इस आइटनरी के ऊपर वर्क कर रहा था ना प्रॉपर, तब मैंने आइटनरी में इस ग्रॉस ग्लॉकनर को डाला था। इंडिया में तो बहुत सारे हाई माउंटेन पासेस मैंने कवर किए हैं, लेकिन ये जो हाई माउंटेन पास है ये ऑस्ट्रिया का सबसे हाईएस्ट पास है, और ये पूरे एल्प रीजन का भी कहते हैं सबसे माउंटेन का हाईएस्ट पास है। ये है लगभग 2510 मीटर की हाइट पे है, और लगभग आपको आइडिया दूं तो 8,500 फीट हाइट के ऊपर है। अगर इंडिया के माउंटेन पास से कंपेयर करूं तो इसका कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि इंडिया में तो 12-12, 13-13 हज़ार भी हमारे लिए नॉर्मली लगता है अब तो। लेकिन अगर आप किसी कंट्री में जा रहे हो और उस पूरे रीजन के सबसे हाई माउंटेन पास को ना देखो ना, तो कोई पॉइंट नहीं है बाइकर होने का। और अभी एज ऑफ नाउ हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं है, बिल्कुल पिच डार्क हो चुका है यहाँ पर, और बहुत खुशी हो रही है यहाँ पर पहुँच कर। अभी हमारा सफ़र बहुत दूर जाना है अभी हमें, और चलेंगे सफ़र एंजॉय करेंगे। बाकी अपनी चार्ली हर जगह मुझे लेकर गई है, और हर जगह इसने मेरा साथ दिया है, सो इसका मैं पूरा ध्यान रखता हूँ, इसी तरह ये मेरा पूरा ध्यान रख रही है। तो अब यहाँ से निकलते हैं और अपनी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है जर्मनी, जो अपनी शायद कंट्री नंबर 10 है या 9 है वो मैं भूल चुका हूँ, उसका सफर स्टार्ट करते हैं। ओह शिट, बहुत ज़्यादा ठंड है यार। आपको लग रहा होगा शायद मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ, नहीं यार
बहुत ज़्यादा ठंड है, एक्सट्रीम। और यहाँ से अभी हमने मैप में डाल दिया है म्यूनिक, जो कि यह है जर्मनी में। टाइम हो रहा है 7:20 और म्यूनिक दिखा रहा है 3:02 यहाँ से। और नहीं 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 नहीं, गलत हो गया मैप, नहीं ठीक है, 3:02 दिखा रहा है, और दिखा रहा है हम पहुँचेंगे 10:20 पे। चलो अब हो गया अपनी कंट्री नंबर, मैं भूल गया हूँ 9 या 10 है, सच बता रहा हूँ। म्यूनिक यहाँ से लगभग अभी भी 2 की दूरी पे है। गूगल मैप्स के हिसाब से हम लोग पहुँचेंगे 11:15, मोस्ट प्रोबेबली हम 11:15 ही पहुँचेंगे। आई डोंट नो आपको मेरी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, बाइक चल रही है अभी 100 की स्पीड से, कॉन्स्टेंटली 100 की स्पीड पे चल रही है, विंड ब्लास्ट बहुत तेज़ आ रहा होगा, बट हमारा प्लान यही है कि हमें 11 से 11:15 के बीच में हर हाल में म्यूनिक में पहुँचना पड़ेगा। हॉस्टल जो हमने देखा है ना, सेकेंड टाइम रात के 11 तक है, और 5-7 ऊपर नीचे हो जाए तो मैनेज हो जाएगा, अदरवाइज लटक जाएंगे बहुत बुरी तरह से। बहुत भूख लगी है यार, मर जाऊंगा। और आज तो पता नहीं हॉस्टल में भी जगह मिलेगी नहीं मिलेगी। इंग्लिश इंग्लिश स्टार्ट ऑर्डर, वेज 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 वेज, हैप्पी मील। पूछ ही लेता हूँ डायरेक्ट ही। बड़ी देर के बाद कैमरा ऑन किया है, बैटरी डेड हो चुकी है, और ऑलमोस्ट मैं अपने होटल पे पहुंचने वाला हूं, और अभी मैं म्यूनिक में हूं, जर्मनी में, और मैं इतना हंस रहा हूं ना बाइक चलाते चलाते, जर्मनी में भी आ गया लो मैं, हद हो गई यार, क्या प्लान किया था और क्या प्लान हो गया। अगर मेरी आइटनरी में स्टार्टिंग से ही होता ना मुझे जर्मनी आना है, तो शायद मैं नॉर्मल सा फील कर रहा होता अभी, लेकिन एकदम से अभी मैं जर्मनी में राइड कर रहा हूँ, पता नहीं आप लोग ये फील समझोगे नहीं समझोगे, मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है, और पता नहीं यार ये मिक्स्ड फीलिंग है मेरी कि मैं जर्मनी में हूँ।